अर्चना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये हिंदुस्तान हमारा। तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से हंगामा टाइम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो, उस पर कुछ खास करता है देश को लेकर के, और देश को सुधारने के लिए समाज सेवक और समाज सेविका क्या करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे आप ये देख रहे होंगे जो बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने संविधान की रचना करी थी, संविधान बनाया था, इसको बनाने में उनको लगे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, कम से कम 3 साल लगे थे। 3 साल में उन्होंने मेहनत करी थी हम देशवासियों को समानता दिलाने के लिए, सभी धर्म को एक करने के लिए और सभी धर्म को एक साथ बैठने के लिए उन्होंने इस संविधान के लिए उन्होंने मेहनत करी थी। तो संविधान लागू हुआ था हमारा जो 1950 में, और बना था जो आपका 1949 में, यानी कि 1949 में बना था, जिसको लेकर के आज हम लोग स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। क्योंकि संविधान बनाने का प्रमुख उद्देश्य था समानता, सभी धर्मों को लेकर के एक समान, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, ना कोई दूसरी जाति का ना कोई तीसरी जाति का, सब एक होंगे और वो होंगे भारतवासी। क्योंकि हमने जो आपको लाइन सुनाई सारे जहां से अच्छा, तो जिसमें आपकी जो लाइन आती, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक है और हिंदुस्तान में हम सांस ले रहे हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों की वजह से आज हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक और स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं और स्वतंत्रता के साथ मरेंगे भी, और हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे महापुरुषों की छाया में हमारा देश जीवित है अभी। और ऐसा कहते नहीं है, भारत देश था, भारत देश है, भारत देश रहेगा। तो लखनऊ में हम कुछ खास शख्सियतों से बात कर रहे हैं कि इस गणतंत्र दिवस पे वो क्या संदेश देना चाहेंगे। तो इस समय हम लोग साधना विहार में है, साधना बौद्ध विहार टकरोही इंदिरा नगर में है, जहाँ के साधना बौद्ध विहार के जो महामंत्री हैं केपी चौधरी जी से, तो उनसे हम बात करने आए संविधान को लेकर के, कि जिस तरीके से उनका बौद्ध विहार जो है संविधान के लिए और बाबा साहब जी की विचारधारा के लिए और गौतम बुद्ध की विचारधारा के लिए आगे से आगे लोगों को जागरूक करता रहता है। तो इस 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन वो सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, तो हम उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से हम लोग खास करते हैं, चाहे आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, लखनऊ की खास शख्सियतें करते हैं बात कि वो 26 जनवरी को हो या 15 अगस्त को क्या खास कर रही और सभी को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो हमारे साथ खास शख्सियत के रूप में जुड़ रहे हैं केपी चौधरी जी, जो कि महामंत्री हैं साधना बौद्ध विहार के। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी। तो गणतंत्र दिवस की पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका बौद्ध विहार ऐसे बढ़ता रहे उसकी शुभकामनाएं। तो 26 जनवरी की क्या तैयारी रहेगी? आपको भी सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ये गणतंत्र दिवस, जैसा कि आपने बताया कि सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जो है, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तब उस समय एक चुनौती थी हमारे सामने कि हम अपना देश किस तरीके से चलाएंगे, हमारे देश का संविधान क्या होगा, रहने सहने आगे बढ़ने का हमें क्या तरीका होगा। तो ऐसे समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसा कि आपने बताया कि 2 साल 11 महीना 18 दिन तक, एक शख्सियत वो आए, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो खास बताना चाहता हूँ, जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, बहुत कम लोग जानते हैं, वो बात यह है कि जो हमारे देश का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, तो हमारे ही देश के जो तथागत बुद्ध की विचारधारा करुणा और मैत्री प्रज्ञा पर आधारित। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान अमेरिका से कुछ लिए, कुछ इंग्लैंड से लिए, कुछ नीदरलैंड से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, लेकिन ये बात बाबा साहब ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि ये सारे जो दुनिया में जिसकी बुनियाद पर हमारा संविधान बना, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, जिसकी बुनियाद पर हमारा जो संविधान बना, वो सब का सब तथागत बुद्ध के उन विचारधारा से लिया गया है जो 84,000 स्तूपों में सम्राट अशोक ने
दर्ज कर दिया था। तो ये तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाला ये हमारे देश का संविधान है। और अर्चना जी, जो इसमें 395 अनुच्छेद हैं, वो दुनिया की किसी भी संविधान में इतना लंबा, इतना विस्तृत और इस आइडियालॉजी को आगे बढ़ाने वाला कोई वो नहीं है, वो तथागत बुद्ध से प्रेरित है। क्योंकि हम लोग जो हो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हो चाहे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हो, तो उस पर हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों के तक संदेश पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। जिस तरीके से 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, 1949 में हमारा संविधान बना था और 1950 में हमारा जो है संविधान जो है लागू किया गया था, बहुत से लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। और लोगों से जब हम पूछ लेते हैं एकाएक स्वतंत्रता दिवस क्या है और गणतंत्र दिवस क्या है, तो जवाब नहीं दे पाते, तो इसके बारे में क्या? देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो एक, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा है तो वो 15 अगस्त 1947 को वो डिक्लेयर हो गया, वहाँ के पार्लियामेंट से एक एक्ट पारित हुआ और उस दिन से 15 अगस्त की रात को ये देश स्वतंत्र हो गया था, 14 और 15 की रात में। और उसको उस समय अंतरिम सरकार बनी थी और उस दौरान जो संविधान लिखने का जो टाइम लगा, जो आपने बताया 26 नवंबर 1949 और फिर 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुई, तो लागू करने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हम अधिकारों की बात करते हैं जब संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद हम कर्तव्यों की नहीं वो करते हैं। तो उसके लिए अर्चना जी, हम आर्टिकल 51 उसमें खास बताना चाहते हैं। बिल्कुल बताइए। हम इसीलिए आए हैं कि आपसे हम संविधान पर चर्चा करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि संविधान जो बना था वो समानता के लिए बना हुआ था, समान अधिकार के लिए बना हुआ था। तो इसी बात पे 51 में हम कर्तव्य भूल गए। सबसे बड़ा है कि आर्टिकल 51 में सारे नागरिक के कर्तव्य का प्राविधान भी किया गया है। वो है कर्तव्य, हम ऐसा व्यक्तिगत रूप से हम ऐसा काम करें या सामूहिक गतिविधियों में ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र उत्कर्ष की ओर चला जाए, यानी तरक्की की सबसे ऊंचाई छूले, हम जीवन में ऐसा काम करें। तो उसमें हमारे देश में जो धर्मनिरपेक्षता ये शामिल हुआ, समाजवाद शामिल हुआ, लेकिन जो उसकी मूल भावना जो है, अगर हम मूल भावना की ओर चलेंगे तो तथागत बुद्ध की ही सारी वाणी, सारे विचार, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने तरीके से संकलित करके, जैसे उसको मूल अधिकारों के रूप में, मूल कर्तव्यों के रूप में, और इस देश का नाम भी उन्होंने आर्टिकल 1 में ही वो कर दिया था, इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि भारत का नाम जो है कुछ और नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, उसमें स्पष्ट है, संवैधानिक परिभाषा यही है। पाकिस्तान बनने के बाद लोग हिंदुस्तान कहते हैं और ये हिंदुस्तान इसका नाम नहीं रह गया, भारत, भारत देश, हाँ भारत देश है ये संविधान बनने के बाद है। वैसे भाई इसको जम्मू द्वीप जो पुराने, उसमें अनेक नाम इसके रहे हैं, तो उसमें से आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, ये भारत ही आप कहिए। अब सबसे हम अपील करते हैं इस गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए कि ये भारत देश है और हम भारत के नागरिक हैं। और सर, जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के लिए जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उनको ये नहीं पता होता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, यानी कि संविधान लागू हुआ था, तो क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग अपने देश का नाम जो है सुनहरे अक्षरों में जो लिखा जा रहा है वो और अच्छे अक्षरों में लिखा जाए? अब और अच्छे लिखने के लिए हमें अपने संविधान को ही अपना धार्मिक ग्रंथ मानना पड़ेगा। हम अपने जिस दिन संविधान निर्माताओं का ये पक्ष था, ये सबसे जो आपके सवाल का सबसे सटीक जवाब है इस उससे कि ये संविधान निर्माताओं ने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि हम पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, उसके बाद हम भारतवासी, और कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं कहते हैं हम भारतवासी हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। लेकिन संविधान निर्माताओं का ये वंशा है कि ऐसा व्यक्ति जब हम वो कहें कि हम पहले भी भारतवासी और बाद में भी भारतवासी, हमारे संविधान का वो होगा, और तभी हम सच्चे माने में स्वतंत्र मानेंगे जब हम उस संविधान को अंगीकार कर लेंगे और वही हमारा धार्मिक ग्रंथ होगा।
क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 में हम लोगों को आजादी मिली थी और जब 2 साल के बाद संविधान लागू हुआ था तो यही बताने के लिए लागू किया गया था कि हम लोग एक हैं और हम लोग समान हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त हो गई थी लेकिन किन किन बलिदानों पर प्राप्त हुई थी और किन मूल उद्देश्यों पर प्राप्त हुई थी उसको ही बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो संविधान के जो रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी, तो उनको सभी देशवासी याद रखे। तो खास बातचीत में आज हमारे साथ में साधना बौद्ध विहार के महामंत्री थे केपी चौधरी जी, जिन्होंने बताया संविधान के बारे में कि संविधान क्या है और संविधान को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और हमने जो आपको बताया कि संविधान को जो बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो लोग अगर 1 महीना भी उसको देंगे या रोज 1 दिन भी पढ़ेंगे तो हम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में सही से ज्ञान हो जाएगा। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पे हम लोग खास कर रहे हैं, लखनऊ की खास शख्सियतों से बात कर रहे हैं। तो आज हमारी खास शख्सियत की कड़ी में थे साधना बौद्ध विहार तकरोई इंदिरा नगर से केपी चौधरी जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। तो ऐसे ही गणतंत्र दिवस में लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम लोग करेंगे बातचीत और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या है फर्क, ये भी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।